वेलकम बैक टू मालविया कैड सॉल्यूशन। तो आज हम हमारे प्रोजेक्ट एडजस्टिंग नलिंग टूल का सेकंड पार्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट का जो ट्यूटोरियल है उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम इसका 2D ड्राइंग देख लेते हैं। तो 2D ड्राइंग देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और प्रोजेक्ट आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए हम इसका 2D ड्राइंग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने ये 2D ड्राइंग क्रिएट किया है जिसमें टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और सेक्शन व्यू, ये तीन व्यू यहाँ पे सेट किए हैं। बॉटम में हमने आइसोमेट्रिक व्यू यहाँ पे सेट किया है, और यहाँ पे सारे डायमेंशन हमने mm साइज में अप्लाई किए हैं। तो इसके स्लॉट जो है, इसकी साइज यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने अप्लाई किया है। इसकी हाइट, इसका गैप 8 mm, फिर यहाँ पर देखिए रैप फीचर का यूज किया है, और फिर यहाँ पे देखिए ये जो होल है इसकी साइज 12 mm है। फिर यहाँ पे फ्रंट व्यू में इस होल से इस लाइन की साइज 43। तो इस तरह से आप इस ड्राइंग को आप देख के आप अपने अकॉर्डिंग सारे ये पार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम पार्ट को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने न्यू पार्ट क्रिएट कर लिया है। तो सबसे पहले हम टॉप प्लेन सिलेक्ट करेंगे स्केच, फिर यहाँ पर सेंटर रेक्टेंगल यहाँ पे एक्टिवेट करना है, फिर यहाँ पर इस ओरिजिन पॉइंट से इस तरह से ड्रैग करेंगे और यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देना है। फिर यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन, तो यहाँ पर डायमेंशन हम अप्लाई करेंगे हॉरिजॉन्टल 3 IN, यानी कि 3 इंच, और यहाँ पर वर्टिकली इसका डायमेंशन रहेगा 35 mm, और फिर ओके करना है। अब हम यहाँ पर कॉर्नर रेक्टेंगल एक्टिवेट करेंगे, फिर यहाँ पर इस तरह से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ पर हम ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर इसके मिड पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और मेक रिलेशन वर्टिकल कर देना है। अब यहाँ पर इसके डायमेंशन हम अप्लाई करेंगे, तो यहां पर इसकी विड्थ रहेगी 30 mm, और यहां से इस लाइन से इसकी हाइट रहेगी 55 mm। ट्रिम एंटिटी एक्टिवेट करेंगे, फिर यहां पर देखिए नीचे यहां पे ड्रॉप डाउन करेंगे, तो यहां पे कीप ट्रिम एंटिटीज एज कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री, इसे टिक कर देना है। फिर यहां से इसे इस तरह से ट्रिम कर देंगे, तो यहां पे एक कंस्ट्रक्शन लाइन एक्टिवेट हो जाएगी। अब यहाँ पर हम फिलेट अप्लाई करेंगे, तो सिंपली इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। अब फीचर में जाना है और एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है। तो यहां पर एक्सट्रूड बॉस इसकी साइज रहेगी 25 mm, और यहां पर इसका डायरेक्शन यहां पे मिड प्लेन यहां पे अप्लाई करेंगे। देखिए इस तरह से यहां पे हमने एक्सट्रूड बॉस अप्लाई कर दिया है। राइट प्लेन, फिर यहां पर लाइन एक्टिवेट करना है, लाइन यहां पे इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, एक ट्रायंगल शेप यहां पे ड्रॉ करना है। अब यहां पे इस डायमेंशन इसके इस लाइन की लेंथ रहेगी 40 mm, और इसका एंगल रहेगा 85 डिग्री, इसका एंगल रहेगा 85 डिग्री। अब सिंपली क्या करना है, इसे फीचर में जाना है और एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है, फिर यहां पर थ्रू ऑल बोथ और ओके करना है। फिर से टॉप प्लेन सिलेक्ट करेंगे, लाइन एक्टिवेट करनी है हमें, और इस तरह से स्केच ड्रॉ कर देना है। सेंटर लाइन हम ड्रॉ करेंगे यहां से, फिर यहां पर इस लाइन को और इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इक्वल करना है, फिर से इस लाइन को
फिर इस लाइन को और इस लाइन को, इन तीनों लाइन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सिमेट्रिक कर देना है। अब यहाँ पे इसके डायमेंशन अप्लाई करेंगे तो इसकी हाइट रहेगी 8 mm, फिर यहाँ पे इसकी साइज रहेगी 56.2। अब यहाँ पे इसका एंगल अप्लाई कर देंगे हम, तो इसका एंगल रहेगा 70 degrees। तो अब इसकी साइज हम देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 45 साइज यहाँ पे अप्लाई हो गई है हमारे ड्राइंग के अकॉर्डिंग। यहाँ पे 45 इसकी साइज थी तो 70 degrees के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फीचर में जाना है और एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है। थ्रू बोथ और ओके करना है। राइट प्लेन, राइट प्लेन सिलेक्ट करना है यहाँ पे और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है। इसकी साइज अप्लाई करेंगे 30 mm। अब इस सर्कल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे बाय कंस्ट्रक्शन पर्पस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसे सेट करेंगे। यहाँ पे एक सर्कल और ड्रॉ करना है और इसकी साइज रहेगी 8 mm। अब सिंपली इसके देखिए इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और मेक रिलेशन हॉरिजॉन्टल कर देना है। फिर यहाँ से इस लाइन से इसका डिस्टेंस रहेगा 12 mm। देखिए यहाँ पे हमारा स्केच फुल्ली डिफाइन हो गया है। अब सिंपली आपको फीचर में जाके एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है। यहाँ पर भी हम थ्रू बोथ अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। फिर यहाँ पर टॉप प्लेन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। स्मार्ट डायमेंशन तो हमें यहाँ से इसके बीच का डिस्टेंस रहेगा 10 mm, विड्थ रहेगी 10 mm और इसकी टोटल हाइट रहेगी 35। अब यहाँ पर इस ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, मेक रिलेशन वर्टिकल। फीचर में जाना है, एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है, यहाँ पर भी थ्रू बोथ और ओके। तो यहाँ पर कट अप्लाई करने से पहले हम इसे देखिए यहाँ पे फिलेट अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे फुल राउंड फिलेट हम अप्लाई करेंगे तो इस फर्स्ट वाली फेस, फिर सेकंड में इस फेस को सिलेक्ट करना है और थर्ड वाली फेस इसे सिलेक्ट करना है और फिर ओके कर देना है। फिर यहाँ पे ये जो कट एक्सट्रूड हमने अप्लाई किया था उसे एक्टिवेट कर देना है। फिर यहाँ पर इसकी बैक फेस को, जो इनर फेस है इसे सिलेक्ट करना है स्केच, और यहाँ पर एक स्केच ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जिसकी साइज रहेगी 29.5 mm हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 40 mm। फीचर में जाना है और एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए ब्लाइंड कंडीशन में आपको ये कट अप्लाई करना है और इसकी साइज रहेगी ओनली 1 mm और ओके करना है। यहाँ पर चैम्फर अप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पर चैम्फर हम अप्लाई करेंगे 1 mm
बट यहाँ पे देखिए जो इनर कॉर्नर है अंदर वाले उन्हें सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमें चैम्फर इनसाइड में करना है, आउटसाइड में हमें आउटसाइड वाले जो एज है इसे सिलेक्ट नहीं करना है, अंदर वाले एज को सिलेक्ट करना है और फिर ओके करना है। टॉप फेस को सिलेक्ट करना है स्केच। अब हम यहां पर इसका पार्ट नंबर दे देंगे, तो इसके लिए हम यहां पे एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे इसका डायमेंशन ओरिजिन पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस रहेगा ओनली 1 mm। फिर यहाँ पर टेक्स्ट एक्टिवेट करेंगे, टेक्स्ट में इस लाइन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर हमें टाइप करना है #21457863 0। ये पार्ट नंबर है, अब हम इसे सेंटर में ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके फॉन्ट की साइज थोड़ी इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट में जाना है, हमें पॉइंट एक्टिवेट करना है। पॉइंट में जाने के बाद यहाँ पर इसकी साइज हम इंक्रीज करेंगे 18 पॉइंट और फिर ओके करना है। अब इसे एग्जिट कर देते हैं। अब हमें रैप फीचर एक्टिवेट करना है, रैप फीचर में इस लाइन को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर देखिए स्केच ये ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया है और यहाँ पे हम स्क्राइब को सिलेक्ट करेंगे, इम्बोज डिबोज और स्क्राइब, तो जो लास्ट वाला है स्क्राइब इसे सिलेक्ट करना है। स्केच ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया है, अब यहाँ पर हमें किस फेस पर अप्लाई करना है, तो हम इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और फिर ओके कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये पार्ट नंबर भी यहाँ पे क्रिएट हो गया है। सिंपली फेस को सिलेक्ट करना है, नॉर्मल इसके नॉर्मल व्यू को एक्टिवेट करना है, फिर आपको होल विजार्ड में जाना है। देखिए यहाँ पे होल विजार्ड में जाने के बाद यहाँ पे नॉर्मल होल हमें सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड में एनसीमेट्रिक टाइप ड्रिल साइज, और यहाँ पर इसकी साइज रहेगी 12 mm। थ्रू होल, यहाँ पे होल हमें थ्रू होल करना है, थ्रू होल करना है। तो यहाँ पर अब इसकी पोजीशन सेट करेंगे हम, तो यहाँ पे इस होल को यहाँ पे सेट कर देना है, फिर आपके कीबोर्ड पर एस्केप किए इससे आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसके डायमेंशन अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अभी ये होल फुल्ली डिफाइन नहीं है, तो हम यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे, फिर यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट से इसका डिस्टेंस रहेगा 12 mm। फिर हम ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और सर्कल के पॉइंट को सिलेक्ट करना है और वर्टिकल कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमारा ये होल फुल्ली डिफाइन हो गया और फिर ओके कर देना है। तो देखिए यहाँ पे होल भी यहाँ पे अप्लाई कर दिया है हमने। अब हमें यहाँ पे इसका अपीयरेंस अप्लाई करना है, तो अपीयरेंस में देखिए स्टील में जाना है, मेटल सिलेक्ट करेंगे, फिर स्टील सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर सेटिंग फिनिश स्टेनलेस स्टील इसे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे इसे एक्टिवेट करेंगे। ये सेटिंग फिनिश स्टेनलेस स्टील अप्लाई कर दिया है। अब इनर वाली फेस को सिलेक्ट करना है, फिर इसका अपीयरेंस अप्लाई करना है हमें कास्ट स्टेनलेस स्टील। अब जो हमने कट यहाँ पे जो कट लिया है, कट एक्सट्रूड कट अप्लाई किया है उसे सिलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे इसे पॉलिश स्टील अप्लाई करना है, क्योंकि ये स्लाइड में चलने वाला है इसलिए यहाँ पे पॉलिश स्टील अप्लाई करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट हमने क्रिएट कर दिया है। तो अब हम इसे सेव कर देते हैं। सेव करने में जो हमने फोल्डर क्रिएट किया है उस फोल्डर में हम इसे सेव करेंगे, ये पार्ट 2 है, इसे सेव कर देते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।